आप लोग? बचपन में आप लोगों ने परियों की कहानी तो खूब सुनी होगी। कुछ परियों की कहानियों पे आप विश्वास करते होंगे और कुछ परियों की कहानी पे विश्वास नहीं करते होंगे। आज मैं आप लोगों को ऐसी ही कुछ परी की कहानियां बताने जा रही हूँ। वहीं आपको मैं ये बता दूं कि परियों की कहानियों के तथ्य इस संसार में समय समय पर अलग अलग लोगों द्वारा बताए गए हैं और उस पे कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग विश्वास नहीं करते हैं। वहीं आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां परियां मौजूद हैं। कई ऐसे लोग हैं जो परियों की मौजूदगी की दास्तां बयां कर चुके हैं और वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें परियां अपने साथ ले जा चुकी हैं। जी हाँ, मैं बोल रही हूँ कि परियां अपने साथ कई लोगों को ले जा चुकी हैं और आज मैं ऐसी ही आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ जो कि पूर्ण रूप से सच है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे जिले की जहाँ परियां आज भी निवास करती हैं। जी हाँ, उस पर्वत का नाम है खैट पर्वत। उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में परियों को आचरी भी कहा जाता है और ये आचरियां इस खैट पर्वत पर निवास। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर्वत पे फूल और फल साल भर उगते हैं। वहीं अगर कोई यहाँ का फूल और फल अपने साथ ले जाए तो उस पर्वत से नीचे आते ही वह खराब हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो फूल और फल पर्वत के नीचे आते ही खराब हो जाता है। इस पर विश्वास करना भले ही मुमकिन नहीं हो, पर स्थानीय लोगों का कहना और जो लोग वहां से आए हैं उनका कहना इस बात पर यही है। इस रहस्यमय पर्वत की बात सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि इस पर्वत पर अखरोट और लहसुन दोनों की खेती स्वयं से होती है, मतलब खुद से होती है। जी हाँ, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि अगर यहाँ पे आप खेती खुद से करो या ना करो, पर लहसुन और अखरोट की खेती खुद हो जाती है। आपको बता दें कि ये पर्वत समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पर्वत रहस्यमयी घनश्याली इलाके में स्थित थात गांव में करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खैट पर्वत किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इस जगह पर परियों का मंदिर भी मौजूद है जिसे रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे परियों का और आचरियों का मंदिर बोलते हैं, साथ ही वहां पूजा भी करते हैं। यहां हर साल जून के महीने में मेला लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परियों को चटकीला रंग और शोर तेज संगीत बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वहां के लोग ये बोलते हैं कि अगर वहां के लोग शोर और चटकीले रंग पहन के जाते हैं तो परियां उनको अपने साथ लेके जाती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, परियां उन्हें अपने साथ अपने लोग लेके जाती हैं। इस इलाके में जीतू नाम के एक व्यक्ति की कहानी भी काफी चर्चित है और आप में से कई लोगों ने उसकी कहानी कई बार सुनी भी होगी। कहते हैं कि जीतू की बांसुरी की तान पर आकर्षित होकर परियां उसको अपने साथ ले गई। अमेरिका की कई विश्वविद्यालयों ने इस पर्वत पर शोध किए हैं। इस शोध में उन्होंने पाया कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर लोगों को आकर्षित करती है। मान्यता है कि इस पर्वत पर 9 परियां रहती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आचरी। सबसे आकर्षजनक बात यह है कि आज भी अनाज कूटने वाली ओखलियां जो समथल पर बनी होती हैं, खैट पर्वत पर वो दीवारों पर बनी हुई है और मान्यता है कि यहाँ आचरियों को जो लोग पसंद आते हैं वे उन्हें मूर्छित करके अपने पास रख लेती हैं और अपने लोग लेके जाते हैं। वहीं स्थानीय लोग अपने बच्चों को इस बात से बोल के डराते भी है कि ज़्यादा चटकीले कपड़े मत पहनो, शोर शराबा मत करो वरना आचरियाँ आ जाएंगी और आपको अपने साथ अपने लोग लेके जाएंगे। इसी के साथ हमारी पहली पेशकश में बस और देखते रहिए हमारा।